नमस्कार, आप देख रहे हैं देश का बढ़ता एफ टी न्यूज चैनल। आई देखते सिद्धार्थनगर की खबर। सिद्धार्थनगर जिले में आज दोपहर एक बड़ा सड़क हादसा हो गया, जिसमें तीन गाड़ियां ब्लोरो, अर्टिगा व टेम्पो की आपस में भयानक भिड़ंत हुई, जिसमें ब्लोरो व अर्टिगा रोड से खाई में जा गिरी। पूरा मामला जोगिया थाना क्षेत्र के ककरही ब्रिज के पास की है, जहाँ पर यह एक्सीडेंट हुआ और इस घटना में एक व्यक्ति की मौत हो गई। घटना की सूचना मिलने पर स्थानीय पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घायलों को अस्पताल भेजा, जिसके बाद जिला अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में सभी का इलाज चल रहा है। वहीं एक गाड़ी के ड्राइवर ने घटनाक्रम को बताया। वहीं इमरजेंसी वार्ड के डॉक्टर एस के शर्मा ने मामले की पुष्टि करते हुए कहा कि एक्सीडेंट में एक की मौत हो गई और 11 लोग घायल हैं, जिनमें एक दो की हालत गंभीर है, जिन्हें रेफर किया जा रहा है और बाकी की स्थिति अब ठीक है। कार जी मैं ड्राइवर चला रहा था, उसके सामने एक टेम्पो आई, बुलोरो वाले ने टेम्पो वाले को धक्का मारा, बुलोरो टेम्पो साइड में हो गई, मेरी गाड़ी को ठोका, मेरी गाड़ी पलटी हो गई, मैं जाके खाई में गिरा, मेरा भी थोड़ा नुकसान हुआ है, मेरा एक आदमी एडमिट है, उसके बुलोरो के चक्कर में हमारी पूरी गाड़ी खत्म हो गई। टोटल कितने घायल हैं, कितने की मौत हुई? टोटल 6-7 जन घायल है, एडमिट है अभी, मेरा भी 2 आदमी घायल है, एक आदमी का भी सुन रहा हूँ कि मृत्यु हो गई है, अभी जस्ट हुआ है। 11 जी जी, जोगिया थाने के अंतर्गत जो है घटना हुई है, करीब अस्पताल में करीब 2:15 बजे करीब में आए हैं, 11 घायल आए हैं, जिसमें से 12 थे, एक की मृत्यु हुई है। ताकि अभी 11 में एक दो की स्थिति जो है थोड़ी बेहतर नहीं है, उनको हम BRD के लिए रिफ़र कर रहे हैं, बाकी कंडीशन ठीक है, बाकी आगे हम लोग मैनेज कर रहे हैं सबको।